हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज डॉक्टर कविता चौहान फ्रॉम प्रेरणा कोचिंग एकेडमी. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू कार्टून्स फ्रॉम द बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स फॉर क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस. चिल्ड्रन, दिस इज पार्ट ऑफ माय एग्जामिनेशन प्रैक्टिस सीरीज. आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोज रिलेटेड टू वन मार्क क्वेश्चंस फॉर चैप्टर्स फ्रॉम बोथ द बुक्स. आई हैव ऑल्सो अपलोडेड वीडियोज रिलेटेड टू मैप बेस्ड क्वेश्चंस, एब्रीविएशंस, कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस. And I have also uploaded the explanation of all the chapters. You can check it on my channel. And if you are new to my channel, then do subscribe to my channel and also press the bell icon ताकि मेरे आने वाले videos की update भी आपको regularly मिलती रहे. So let us start with today's class on cartoons for this book, Contemporary World Politics. Okay, so this first cartoon is from the chapter The Cold War Era. During the Cold War period, there was a kind of, you can say, support from China's side to Soviet Union, because both of them had same ideology of communism and they followed socialist principles of economy. लेकिन इस कार्टून में दिखाया है कि ये जो बेंच पे दो इमेज हैं, one is representing US and one is representing Soviet Union. और जो बेंच के पीछे एक इमेज है, that is being shown as China. तो यहाँ पे दिखाया है कि यूएसए ने चाइना के साथ एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे डेवलप की थी और जिसका अंदाजा सोवियत यूनियन को नहीं था. सो दिस कार्टून आल्सो एक्सप्रेसेस चेंजिंग द इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो एज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम चाइना मेड ओवरचर्स टू द यूएसए. तो जैसे पहले तो पूरा जो चाइना की इकोनॉमिक पैटर्न था उसके अकॉर्डिंगली चाइना ने यूएसए के साथ और आप कह सकते हो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ अपनी जो टाइज थी वो एक तरीके से ब्रेक की हुई थी. लेकिन यहाँ पे एक चेंज आया इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो में. दिस सेकंड कार्टून, दिस इज आल्सो फ्रॉम द सेम चैप्टर. सो व्हाट डज द कार्टून डिपिक्ट? दिस कार्टून डिपिक्ट्स अमेरिकन मिस एडवेंचर इन वियतनाम. द यूएस एंटर्ड द वियतनामीज वॉर बिकॉज इट वॉज वरिड अबाउट द कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम. हुआ क्या था कि जैसे अगर हम वियतनाम की बात करें तो वियतनाम ऑल्सो कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द एरिना ऑफ कोल्ड वॉर. तो जो नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम में जो चल रहा था, मतलब दो डिफरेंट आइडियोलॉजी वहां पे यू कैन से फ्लरिश हो रही थी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी. तो यूएसए को यहाँ पे एक तरीके से डर था कि वियतनाम में कम्युनिस्ट का इन्फ्लुएंस ना बढ़ जाए, इसलिए यूएसए इन्वॉल्व हुआ था एक्चुअली वियतनामीज वॉर में. लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा नहीं हुआ. सो व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ यूएस इंटरवेंशन? इट लेड टू ग्रेट लॉस ऑफ लाइव्स. अल्टीमेटली द यूएस फेल्ड टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड अ पीस एग्रीमेंट वाज साइंड. तो यहाँ पे दिखाया है दोनों इमेजेस के थ्रू कि पहले जो वियत कॉन्ग को दिखाया गया है तो यूएसए बहुत ही मतलब खुश है और उसमें मतलब इन्वॉल्व होना चाह रहा है. लेकिन सेकेंड इमेज में दिखाया गया है कि वो यूएसए के लिए उल्टा पड़ गया क्योंकि इस वॉर की वजह से काफी यूएसए का क्रिटिसिज्म हुआ डोमेस्टिक फ्रंट पे भी और एंड इट लेड टू ग्रेट लॉस ऑफ लाइव्स. तो इसलिए आप कह सकते हो कि यूएसए ने जो वियतनाम में इन्वॉल्वमेंट की थी उसमें यूएसए सक्सेसफुल नहीं हुआ अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में एंड फाइनली अ पीस एग्रीमेंट वॉज साइंड. ये जो कार्टून है ये अपियर हुआ था 2003 में कि जब यूरोपियन यूनियन ने इनिशिएटिव लिया था एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया था. तो यहाँ पे एक टाइटैनिक शिप को दिखाया गया है और यूरोपियन यूनियन के उसके ऊपर स्टार्स बने हुए हैं जो उस यूरोपियन यूनियन की मेंबर कंट्रीज को डिपिक्ट करते हैं. सो व्हाट डज दिस कार्टून डिपिक्ट? दिस कार्टून डिपिक्ट्स यूरोपियन यूनियन्स फेलियर टू ड्राफ्ट अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन. सिंपल क्वेश्चन है, Why does the cartoonist use the image of the ship Titanic to represent EU? तो अब Titanic ship को क्यों use किया है यहाँ पे cartoonist ने? Basically कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि जैसे Titanic ship जो था वो एक बहुत ही giant ship था और लेकिन उसके बावजूद भी इतना मतलब machinery और हर चीज के advancement होने के बाद भी Titanic डूब गया था. Similarly जो European Union है उसको यहाँ पे Titanic से compare किया गया है कि उनके रास्ते में भी बहुत सारी हर्डल्स आती रही और जो हर्डल्स कई बार वो मतलब दूर नहीं कर पाया यूरोपियन यूनियन. और यहाँ पे जब कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात उठी तो यूरोपियन यूनियन फेल हुआ अपने ऑब्जेक्टिव में क्योंकि सारे के सारे जो मेंबर्स थे उन्होंने इस चीज के लिए अग्री नहीं किया. सो देयर वाज नो कॉमन ओपिनियन व्हिच कुड बी फॉर्म्ड अमंग द यूरोपियन मेंबर्स रिलेटेड टू द कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन.
वाई हैज द साइकिल बीइंग चोजन टू रिप्रेजेंट चाइना, तो ये यहाँ पे एक इमेज दिखाई हुई है कार्टूनिस्ट ने, और साइकिल को इसलिए चूज किया है यहाँ पे बेसिकली बिकॉज यू कैन से चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ साइकिल्स इन इंडिया, बाइसिकल्स इन वर्ल्ड सॉरी. सेकेंड इज विच टू आइडियोलॉजीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिम्बल्स ऑन द टू व्हील्स. तो पहला जो सिम्बल है वो सिम्बल है कम्युनिस्ट पार्टी का, जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, और जो दूसरे व्हील पे सिंबल है वो डॉलर को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो आप ये कह सकते हो कि एक व्हील के थ्रू कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को दिखाया गया है और दूसरे व्हील के थ्रू एक तरीके से कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है. सो व्हाट मैसेज डज द कार्टून कन्वे? द कार्टून कन्वेज द चेंज इन चाइनाज इकोनॉमिक ओरिएंटेशन. द ड्यूअलिटी इज शोन एज कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी विद कैपिटलिस्ट ओरिएंटेशन. तो जैसे कि चाइना ने लिबरलाइज किया था अपनी इकोनॉमी को 1970s से ही, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चाइना ने फॉलो किया था प्राइवेटाइजेशन. और तो यहाँ पे दिखाया गया है कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के साथ साथ ओरिएंटेशन जो हो रही थी वो हो रही थी कैपिटलिस्ट. ये जो कार्टून है ये इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है जो इंडिया ने फॉलो की 1990s से और उससे रिलेटेड है ये. तो जो चैप्टर है आपका अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, वहां से ये कार्टून लिया गया है. इस कार्टून में क्या दिखाया गया है, व्हाट डज दिस कार्टून रिप्रेजेंट? दिस कार्टून रिप्रेजेंट इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी. व्हिच पॉलिसी इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द कार्टून? सो यू कैन से लुक ईस्ट पॉलिसी इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, और यू कैन से कि ये कार्टून रिप्रेजेंट करता है कि किस तरीके से इंडिया जो एशियन कंट्रीज थी उन कंट्रीज के साथ इंडिया जो इकोनॉमिक टाइज स्ट्रेंथन करना चाहता था और ट्रेड प्रमोट करना चाहता था, तो उसके बारे में ये कार्टून यहाँ पे बात कर रहा है. लेकिन यहाँ पे एक कंपटीशन की फॉर्म में दिखाया हुआ है कि कुछ स्टैक रखा हुआ है और वो मतलब बर्न हो रहा है और उसके सामने लिखा हुआ है वी विल हैव टू गेट यूज टू इट. सो वी विल हैव टू गेट यूज टू इट, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि इंडिया जो मतलब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को एक तरीके से दिखाया गया है और वो कह रहे हैं कि ये जो इस तरीके की उनके सामने रुकावटें हैं या ये जो कंपटीशन है सारी कंट्रीज के बीच में, उस कंपटीशन को फेस करेगा इंडिया और अपनी जो इंडिया की स्ट्रेटजी रहेगी उस स्ट्रेटजी को प्रमोट करते हुए एशियन कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे ट्रेड रिलेशंस इंडिया बनाएगा. ये है बहुत ही फेमस कार्टून है, एग्जाम्स में आ भी चुका है पहले. यहाँ पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और ड्रैगन को दिखाया गया है. बेसिकली ये दो सिंबल्स हैं जो चाइना से एसोसिएटेड हैं और कार्टूनिस्ट ने दोनों सिंबल्स को यूज किया है. यहाँ पे ये दिखाया है कि किस तरीके से जो वर्ल्ड है ग्लोब को यहाँ पे मतलब यूज किया गया है कि किस तरीके से चाइना जो है उस पर राइज कर रहा है या स्प्रेड होता जा रहा है. So, what does this given cartoon related to or which country? So, this is related to China. Which two symbols in this cartoon helped in identifying the country? बहुत easily आप dragon और wall, great wall of China से identify कर पाए कि ये China से related है. What message does this cartoon convey to world? So, this cartoon conveys the rise of Chinese economy to the world. Okay, again this is related to China. So which country does the cartoon refer to? Very easily you can make out that it refers to China. जो दो इमेज यहाँ पे दिखाई गई हैं, उसमें दोनों कार्टून्स में एक में ऊपर जो माओ की जो रेड बुक है वो दिखाई गई है और नीचे वाले में जो कैपिटलिस्ट टाई है उसको दिखाया गया है. तो बेसिकली जो चाइना की इकोनॉमिक ओरिएंटेशन थी जब चाइना एज अ रिपब्लिक एस्टेब्लिश हुआ था 1949 में, तो उसके बाद को यहाँ पे देन से दिखाया गया है और जो अब प्रेजेंटली चाइना की ओरिएंटेशन में चेंज हुआ उसको दिखाया गया है नाउ से. सो इवेल्युएट एनी टू चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ दिस कंट्री फ्रॉम देन टू नाउ. सो फ्रॉम देन टू नाउ में आप लिख सकते हो कि किस तरीके से पहले चाइनीज इकोनॉमी वॉज प्योरली ऑन फॉलोड एज ऑन बेस्ड ऑन सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स एंड जो एम था वो एम था कि जो इंडस्ट्रियल सेटअप था या इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर था या जो रिसोर्सेज थे दे वर फुल्ली ओन्ड बाय द स्टेट. लेकिन अब जो चेंज आए मतलब 1970s से ही चेंजेस आने शुरू हो गए थे और कैसे चाइना ने फोर मॉडर्नाइजेशन पॉलिसी को फॉलो किया था, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, प्राइवेटाइजेशन ऑफ साइंस एंड मॉडर्नाइजेशन एंड वो सब जो हुआ उसको आप लिख सकते हो नाउ में.
assess any two outcomes of the latest changes that took place in this country. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये जो न्यू ट्रेड लॉस थे, दीज लेड टू फिनोमिनल राइज इन फॉरेन ट्रेड इन चाइना. और सेकेंड आउटकम में आप लिख सकते हो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो थी 2001 में 70 बिलियन थी, 70 बिलियन यूएस डॉलर्स, लेकिन 2010 तक पहुंचते पहुंचते वो हो गई 115 बिलियन यूएस डॉलर. तो जो ये इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंज आया चाइना की, उसके जो आउटकम्स हुए उनको आप फैक्ट्स की फॉर्म में लिख सकते हो. नेक्स्ट, व्हाट डज दिस कार्टून रिप्रेजेंट. सो दिस कार्टून यू कैन से रिप्रेजेंट्स द ड्यूअल रोल ऑफ पाकिस्तान्स रूलर परवेज मुशर्रफ. परवेज मुशर्रफ ने जब पाकिस्तान में व्हेन ही बिकेम ही स्टार्टेड रूलिंग, सो फर्स्ट ही वॉज आर्मी जनरल एंड मिलिट्री रूल वॉज एस्टेब्लिश्ड. और उसके बाद उन्होंने रेफरेंडम किया था और फिर वो प्रेसिडेंट बन गए थे. तो ये जो उन्होंने यहाँ पे शो किया है उसमें दिखाया है उनका ड्यूअल रोल एज एन आर्मी जनरल एंड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. तो क्या है ये इक्वेशंस जो यहाँ पे दिखाई गई हैं कि फर्स्ट वाले में जीरो, सेकेंड वाले में वन, थर्ड वाले में टू. तो आप देख सकते हो कि पहले जो है वो प्रेसिडेंट माइनस मिलिट्री जनरल इज इक्वल टू जीरो. अगर प्रेसिडेंट खाली है और मिलिट्री जनरल नहीं है तो वो जीरो के बराबर है उनकी वैल्यू. उसके बाद है मिलिट्री जनरल माइनस प्रेसिडेंट इज इक्वल टू वन. अगर मिलिट्री जनरल है और प्रेसिडेंट नहीं है तो भी ही हैड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस. थर्ड में दिखाया गया है कि अगर वो मिलिट्री जनरल भी थे और फिर वो प्रेसिडेंट भी हुए तो उसमें यहाँ पे दिखाया गया है कि उनकी जो पोजीशन है वो बहुत स्ट्रेंथन हो गई एंड 1+1 इज इक्वल टू 2. सो दीज इक्वेशन स्पीक अबाउट डोमिनेंस ऑफ द पर्सन मिलिटेरली मोर रादर देन ओनली एज द प्रेसिडेंट. तो यहाँ दिखाया गया कि अगर वो खाली प्रेसिडेंट होते तो वो इतना ज्यादा डोमिनेंट पोजीशन में नहीं रह पाते, लेकिन मिलिट्री जनरल होने की जो उनकी पोजीशन थी वो काफी पावरफुल थी. आई एम ऑलवेज गुड एट कैलकुलेशंस. व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट. इट शोज अ नेशन दैट मुशर्रफ वांट्स टू कमांड द कंट्री मिलिटेरली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली बोथ टू स्ट्रेंथन हिज पावर बिकॉज द प्रेसिडेंट सर्वाइवल इज नॉट ईजी विदाउट मिलिट्री सपोर्ट. तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला है कि जो मुशर्रफ थे उस वक्त वो कंट्री को कमांड करना चाहते थे दोनों तरीकों से, मिलिटेरली भी और एडमिनिस्ट्रेटिवली, क्योंकि उनको लगता था कि इससे ही इसी से उनका सर्वाइवल पॉसिबल था. क्योंकि कोई भी जो प्रेसिडेंट थे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट पाकिस्तान में सर्वाइव नहीं कर पाते थे. कुछ टर्म्स के बाद ही वहां पे टेक ओवर हो जाता था मिलिट्री का, लेकिन क्योंकि जनरल परवेज मुशर्रफ मिलिट्री जनरल भी थे तो यहाँ पे उनको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट थी. राइट द फुल नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेड बाय द टाइगर इन दिस कार्टून. दिस इज रिलेटेड टू द श्रीलंकन सिविल वॉर. तो जब श्रीलंका में सिविल वॉर हुई थी, सिविल वॉर हुई थी इसलिए क्योंकि श्रीलंका में जो सिन्हालास थे उस कम्युनिटी को ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस दी गई थी और मेजोरिटेरियनिज्म इस्टेब्लिश किया था श्रीलंकन गवर्नमेंट ने. तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि जो तमिल्स थे दे फेल्ट एलिनेटेड एंड दे स्टार्टेड विद दिस कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड बिटवीन द श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड द तमिल्स. तो जो यहाँ पे टाइगर दिखाया गया है इट रिप्रेजेंट्स द लिट्टे LTTE जो वहां की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी. सेकेंड इज हाउ डिड दिस एथनिक प्रॉब्लम अफेक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ श्रीलंका. अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ श्रीलंका के इसका असर की बात करें तो बहुत ज्यादा असर यहाँ पे नहीं पड़ा था श्रीलंका के ऊपर. और मैं आपको एक दो पॉइंट्स बता देती हूँ इससे रिलेटेड. ओके, सी इन स्पाइट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट श्रीलंका हैज रजिस्टर्ड कंसिडरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिकॉर्डेड हाई लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. एक्चुअली श्रीलंका वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द रीजन टू लिबरलाइज द इकोनॉमी एंड इट हैज हैड द हाईएस्ट पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर मेनी ईयर्स राइट थ्रू द सिविल वॉर. तो चैप्टर में आपके ये पॉइंट्स दिए हुए हैं वो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो. थर्ड इज एक्सप्लेन द डिलेमा ऑफ श्रीलंका लीडरशिप इन ट्राइंग टू रिजॉल्व दिस एथनिक प्रॉब्लम. यहाँ पे राजपक्षे को जी को दिखाया गया है कि वो एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं सिन्हाला हार्ड लाइनर्स के बीच में और जो तमिल लिट्टे था. तो एक तरीके से डिलेमा की सिचुएशन है. द कार्टून डिपिक्स द डिलेमा ऑफ द श्रीलंकन लीडरशिप हु आर ट्राइंग टू बैलेंस द सिन्हाला हार्ड लाइनर्स लायन और द तमिल मिलिटेंट टाइगर
वाइल नेगोशिएटिंग पीस, मतलब वो कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे दोनों के बीच में पीस नेगोशिएट करने की और बैलेंस बनाने की. द गवर्नमेंट थिंक्स इफ इट गोज अकॉर्डिंग टू द सिन्हाला कम्युनिटी एक्शंस वुड बी टेकन बाय लिट्टे इन श्रीलंका एंड इफ लिट्टे इज गिवन प्रेफरेंस द सिन्हाला कम्युनिटी वुड बिकम अपसेट एंड द कंट्री वुड बी डिवाइडेड. तो मतलब उनके सामने ये दो तरीके की सिचुएशन है कि अगर वो सिन्हालास को सपोर्ट करते हैं तो लिट्टे जो थी वो केपेबल थी, और ऐसा हुआ भी श्रीलंका में कि मतलब वायलेंट उन्होंने वो चलाया, वहां पे मिलिटेंसी रही. नेक्स्ट इज रिलेटेड टू द सार्क समिट. व्हाट डज दिस कार्टून टेल अबाउट द रोल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन द प्रोसेस ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन साउथ एशिया. एक्चुअली जब मतलब देखा गया ये इनिशियली बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स हुई सार्क में, जब भी मीटिंग होती थी तो होता क्या था कि इंडिया और पाकिस्तान क्योंकि दो मेन प्लेयर्स थे इस रीजन के, तो उसकी वजह से उन दोनों के अपने जो इश्यूज थे वो इश्यूज यहाँ पे मतलब राइज कर जाते थे, और जिसकी वजह से जो मीटिंग का मेन एजेंडा होता था रिलेटेड टू दी पीस एंड कोऑपरेशन इन दी ओवरऑल साउथ एशियन रीजन, वो जो एजेंडा था वो कहीं ना कहीं सेटबैक हो जाता था या पीछे रह जाता था, और इन दोनों के जो आपसी मतभेद थे उनसे रिलेटेड यहाँ पे मीटिंग के पॉइंट्स ये दोनों शुरू कर लेते थे. तो इसमें यही दिखाया गया है कि द सार्क समिट्स इन पास्ट हैव बीन प्लेग्ड बाय द अनएंडिंग हॉस्टिलिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इन ऑर्डर टू हैव द पीस इन साउथ एशियन रीजन इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज टू कंट्रीज टू रिजॉल्व देयर इश्यूज बायलिटरली. क्योंकि सार्क समिट वॉज नॉट अ प्लेटफॉर्म फॉर देम टू डिस्कस देयर बायलिटरल इश्यूज, वो इनको अपने अलग लेवल पे सुलझाने चाहिए थे, और यहाँ पे उन चीजों को सार्क समिट में नहीं उठाना चाहिए था. Okay, so the next cartoon, this is also related to the South Asian region. Name the two key players shown to play role in this region, and the two key players shown here is the Chinese premier and the US president. So do you notice any commonality between their perspective? तो दोनों के बीच में जो commonality है आप ये कह सकते हो कि ऊपर वाले में दिखाया गया है कि जो यहाँ पे मिस्टर हु जिनताओ को शो किया गया है और वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ कोई एग्रीमेंट साइन करते हुए उन्हें दिखाया गया है, लेकिन पीछे से जो ड्रैगन की तरफ एक फायर निकल रही है और जो मिलिट्री है उनकी उसके अकॉर्डिंगली बोला गया है कि ट्रेड कॉमर्स और इकोनॉमी तो ठीक है, लेकिन जो चाइनीज प्रीमियर है उनको कोर इश्यूज जो है इंडिया के बीच में, बेसिकली जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उनके ऊपर उनको फोकस करना चाहिए. और सेकेंड वाले में दिखाया गया है कि इंडिया और पाकिस्तान को और जो वहां पे बीच में बैठे हुए हैं वो आप कह सकते हो कि यूएस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दिखाया गया है कि चाइना और यूएसए एक्चुअली बहुत ही मेजर प्लेयर रहे इस रीजन के, और ऊपर वाले में चाइना को और नीचे वाले में यूएस को दिखाया गया. सो डू यू नोटिस एनी कॉमनैलिटी बिटवीन देयर पर्सपेक्टिव, दोनों के पर्सपेक्टिव में कॉमन क्या नजर आ रहे हैं यहाँ पे. The US has had good relations with both India and Pakistan after the end of the Cold War and had been working as a moderator in India-Pakistan relations. In the first cartoon also the general is being shown or asking Chinese premier to focus on core issues to be focused first before signing economic ties. Kyunki India aur China ke beech mein bhi border disputes hain aur India aur Pakistan ke beech mein bhi, to ye ek commonality aap yahan pe keh sakte ho. नेक्स्ट इज रिलेटेड टू द रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. ये जो कार्टून है ये जून 2006 के टाइम पे जब इसराइल ने लेबनान को अटैक किया था उससे रिलेटेड है, और ये कार्टून है इस चीज को सपोर्ट करता है कि जो भी ओपिनियन दी जाती रही है यूएनओ के बारे में, कुछ लोगों का कहना था कि यूएनओ सिर्फ एक टॉकिंग शॉप है और कुछ लोगों का कहना था कि एटलीस्ट यूएनओ इज देयर टू प्रोवाइड अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू कंट्रीज टू रिजॉल्व देयर इश्यूज, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे ये कार्टून है. सम बिलीव दैट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ आर ओनली फॉर स्पीचेस एंड मीटिंग्स. लेबनान वाज अटैक्ड इन जून 2006 एंड द यूएन कुड पास द रेजोल्यूशन ओनली इन अगस्त 2006. डिस्पाइट दैट इजराइल आर्मी कंटिन्यूड विद बॉम्बार्डमेंट एंड विथड्रू फ्रॉम द रीजन ओनली इन अक्टूबर. सो एक तरीके से आप कह सकते हो कि यूएन की जो इफेक्टिवनेस है उसको यहाँ पे उसका एक मजाक बनाया गया है कि सिर्फ वहां पे मीटिंग्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं और कंक्रीट कोई भी उसका रिजल्ट नहीं निकल पाता है, क्योंकि लेबनान क्राइसिस जो था वो कंटिन्यूड रहा इवन आफ्टर द रेजोल्यूशन वाज पास्ड. व्हाट डज दिस कार्टून रिप्रेजेंट. इट रिप्रेजेंट्स अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन दारफुर.
जो एथनिक ग्रुप्स थे दाफुर के, उनको अटैक किया था. दे वर अटैक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ सूडान. व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज वर फेस्ड ड्यूरिंग द क्राइसिस. तो यहाँ पे सारे ये जो इश्यूज हैं वो लिखे हुए हैं. स्टारवेशन लिखा हुआ है, जेनोसाइड लिखा हुआ है, हंगर लिखा हुआ है, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं. और व्हाट इज अ बिग हेल्पिंग ऑफ वर्ड्स मीन, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, अ बिग हेल्पिंग ऑफ वर्ड्स. तो बेसिकली अगेन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको यहाँ पे कमेंट किया गया है उसके रोल के ऊपर कि शब्दों के अलावा किसी भी तरीके की मदद यहाँ पे नहीं मिली लोगों को. दिस इज व्हाट इज बीइंग शोन थ्रू दिस कार्टून. व्हाट डज दिस कार्टून रिफ्लेक्ट. इट रिफ्लेक्ट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस इन यूएनओ. इट शोज अमेरिकन एटीट्यूड दैट देयर आर टू वेज टू रिजॉल्व एन इशू. प्योरली मैंने इसको अपने हिसाब से कॉम्प्रिहेंड किया है. लेफ्ट और राइट दो चीजें यहाँ पे दिखाई गई हैं. एक में यूएन का सिंबल है और दूसरे में वॉर का दिखाया गया है. तो बीच में जो इमेज है दैट रिप्रेजेंट्स बेसिकली द यूएस. यूएसए का काफी इन्फ्लुएंस था जब कोल्ड वॉर एंड हुई सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद. एक तरीके से राइज हुआ यूनिपोलर वर्ल्ड का और बोला जाता रहा कि यूएनओ के काफी डिसीजंस हैं जो यूएसए इन्फ्लुएंस करता रहा. तो यहाँ पे भी वही दिखाया गया है कि किसी भी इश्यू को दो तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता था, आइदर थ्रू अ रेजोल्यूशन और थ्रू वॉर. सो दिस वॉज पब्लिश्ड इन द यूनिपोलर सिनेरियो इन विच यूएसए रिमेन्ड एज एन अनमैच पावर आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन. दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ग्लोबलाइजेशन येस्टरडे एंड टूडे. दो चीजें दिखाई गई हैं. फर्स्ट वाले में दैट लेडी इज टेलिंग द चाइल्ड टू फिनिश योर डिनर, देर आर पीपल इन चाइना एंड इंडिया हु आर स्टार्विंग. तो वो उसे कह रही है कि अपना खाना फिनिश कर लो क्योंकि चाइना और इंडिया में लोग हैं जो मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं. तो तुम अपना खाना फिनिश कर लो नहीं तो तुम्हारा खाना छीन लेंगे. टुडे में दिखाया गया है फिनिश योर होमवर्क, देर आर पीपल इन चाइना एंड इंडिया हु आर स्टार्विंग फॉर योर जॉब. सेकेंड वाले में दिखाया है कि वो उसे पढ़ने के लिए बोल रही है कि तुम पढ़ लो क्योंकि चाइना और इंडिया में इतने एजुकेटेड लोग हैं और लेकिन वहां पे जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज कम है तो वो तुम्हारा जॉब छीन सकते हैं. तो ग्लोबलाइजेशन को यहाँ पे कमेंट किया गया है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ पीपल और कमोडिटीज, गुड्स एंड आइडियाज. तो ये है. व्हाट इज रेफर्ड अंडर द टाइटल येस्टरडे. इट रेफर्स टू अर्लियर कंडीशंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज विच वर स्टार्विंग ड्यू टू लेस ग्रोथ इन देयर इकोनॉमी. और जो टुडे है, टुडे में दिखाया गया है कि अब वो एक ऐसे स्टेटस में पहुंच चुके हैं कि यहाँ पे एजुकेशन है, लोग पढ़ रहे हैं और लोग लेकिन जॉब्स के लिए इधर उधर जा रहे हैं. व्हाट मैसेज डज दिस टाइटल टुडे कन्वे, ये मैंने अभी बताया है आपको. सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्टून्स एंड आई होप यू एंजॉयड द क्लास. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज. प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड राइट अ कमेंट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कन्वे. सो थैंक यू सो मच.